नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो पे। आज हम देखेंगे और जानेंगे हैंड पॉलिनेशन कैसा होता है पॉटल का। ये पॉइंटेड गार्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम इनक्रीस करेंगे हैंड पॉलिनेशन के माध्यम से। तो जो भी चैनल पर नया आए हो, प्लीज़ याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही गार्डनिंग रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। जो हम पॉटल का माचा किया है वो जूट स्टिक के मदद से किया है और नीचे मालचिंग भी है। चलो आप देखते हैं। पॉइंटेड गार्ड का हैंड पॉलिनेशन करने के लिए मेल और फीमेल फ्लावर होना ज़रूरी है। ये जो फ्लावर देख रहे हो ये फीमेल फ्लावर है। ये बॉटम साइड में छोटा सा पॉटल अभी भी हुआ है। ऐसे पामकिन मतलब कद्दू के दोनों फ्लावर होते हैं, एक मेल फीमेल। ऐसे ही पॉटल का भी दोनों फ्लावर होता है। ये जो दिखा है ये फीमेल फ्लावर है। और पॉलिनेशन नहीं करने पे क्या दिक्कत होता है देख सकते हो। जो छोटा सा पॉटल का फ्लावर है वो येलो होके झड़ जाएगा, जैसे मेरे यहाँ पे हो रखा है। पॉलिनेशन नहीं करने पे ये दिक्कत आता है। और पॉलिनेशन करने के बाद जो पॉटल का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है और बहुत बढ़िया होता है। ये देख सकते हो ये जो फ्लावर्स है यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हुआ है, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा है। जितना सारा फ्रूट्स है वो येलो कलर होके धीरे धीरे वो गिर जाएगा। चलो अब देखते हैं मेल फ्लावर कैसा दिखता है और हम कैसे पॉलिनेशन करते हैं। चलो चलते हैं। ये जो दिख रहा है मेल प्लांट्स है, जो फीमेल प्लांट्स के थोड़ा सा डिफरेंस है। लगभग सेम है लेकिन पत्ता में थोड़ा डिफरेंस है और फूलों में 100% डिफरेंस है। तो हम दिखा सकते हैं। पहले तो देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम हर फूल को तोड़ेंगे और इसके बॉटम साइड में देख सकते हो कोई भी पॉटल नहीं है। तो इसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स से दिखाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फ्लावर का बॉटम में कुछ भी नहीं है, लेकिन फीमेल फ्लावर का बॉटम में छोटा सा पॉटल देखने के लिए मिलता है। चलो अभी पॉलिनेशन करने के लिए फूल को हम रेडी कर लेते हैं। तब तक जो भी चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही पहले हम क्लियर कर लेंगे जितना सारा पेटल है वो हटा के, और बहुत ध्यान से और पैर से धीरे धीरे इसको हम निकलते जाएंगे। बहुत पैर से, नहीं तो टूट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही सेफ रखना है और देन उसके बाद हम पॉलिनेशन करेंगे। अभी देख सकते हो फीमेल फ्लावर है, तो अभी इसको हम पॉलिनेशन करेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल फीमेल फ्लावर है, जिसका बॉटम साइड में अभी भी छोटा सा पॉटल है। तो इसमें भी है, तो इस सारे के सारा फीमेल फ्लावर है, लेकिन मेरे हाथ पे जो है वो मेल फ्लावर से। तो मेल फ्लावर लेकर फीमेल फ्लावर के ऊपर में ऐसे ही रब करना है और टच करना है थोड़ा धीरे धीरे। तो ऐसे ही एक मेल फ्लावर से हम लोग 6-7 फीमेल फ्लावर को पॉलिनेशन कर सकते हैं। चलो अभी मेरे पास एक हो गया। ऐसे ही हम 6 फ्लावर्स को हम पॉलिनेशन करते जाएंगे, देन इसको हम फेंक देंगे मेल फ्लावर को। तो उसके बाद देखेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आई है और जो येलो हो जाता है पॉटल वो नहीं होगा और झड़ेगा भी नहीं, और पॉटल का क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगा। तो आज और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पॉटल मिल सकता है बिना कोई फ्लावर बूस्टर स्प्रे करके। तो ये ज़रूर ट्राई करना, और जो भी चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से, क्योंकि हम गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। अभी देखते हैं मेरा जो गार्डन का जो वेजिटेबल्स है वो कितना हार्वेस्ट हुआ है और क्या क्या मुझे मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा बीन्स है, लेट्यूस है, और इधर पालक है, धनिया है, कैरेट है, बीट रेड है, और चेरी टमाटो बहुत सारा निकल के आया है। ब्रिंजल और कैबेज भी है। अभी दो आइटम धो रहा है, तो पम्पकिन आएगा और इंडियन बीन्स भी आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।